हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोड़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14.5 इंच है, चौड़ाई हमारी 10.5 इंच है। 6 इंच पर हमने मोड़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस हम 10.5 इंच रखेंगे। तो 10.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ से देखिए हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमने बॉक्स बना लिया है और अब हम गले को काट लेंगे। तो देखिए हमने गले को काट लिया, हमारा गला कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर देखिए ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से फैला लेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे, हर जगह पिन अटैच कर लेंगे। और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने गले की सिलाई लगा लिया है। अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए हम नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, हल्का हल्का हम कट लगा लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है, अब हम ऊपर से लैस लगा लेंगे। हम यहीं तक लैस लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरे साइड भी लैस लगा लेंगे। तो देखिए लगा लिया है हमने, अब हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये लाइन को हम दोनों तरफ ले आए हैं और यहाँ पर देखिए हमने हमारा जो पाढ़ी होता है ब्लाउज का, उसे हमने काट लिया है और इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिए हैं और छोटा छोटा प्लेट बैठाते हुए हम प्लेट बना लेंगे हैं। पूरे पट्टी पर देखिए हमने छोटा छोटा प्लेट बैठा लिया है और अब हम इसे देखिए जो लाइन खींचे हैं वहीं से हम इसे हम लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस प्लेट को पूरे में अटैच कर लिए हैं और अब हम ऊपर से लैस लगा लेंगे। ये देखिए हमने लैस लगा लिया है और यहाँ पर देखिए हम नीचे का प्लेट बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमने प्लेट बना लिया। तो देखिए हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर